राजस्थान के सियासी माहौल को देखते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने मोहन मरकाम ने राजभवन में राज्यपाल से मिलकर सुश्री अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि देश भर में चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गिराने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण राज्यपालों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। देश भर में राज्यपालों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस की मांग है कि देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जाए। जो कांग्रेस पार्टी संविधान पर विश्वास नहीं करती है, जो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है, जिनके खातों में देश की आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाने का रिकॉर्ड है, वो यदि लोकतंत्र और संविधान की बात करें तो ठीक नहीं है। कल तक जिस कांग्रेस पार्टी को न तो चुनाव आयोग पर विश्वास था, न ही EVM पर विश्वास है, न ही जनता के मतों पर विश्वास है, यदि वो बाहर निकलकर राजभवन में जाकर यदि इस तरह का प्रदर्शन करें, ज्ञापन दें और संविधान और लोकतंत्र की बात करें तो शायद वो आम जनता के गले से नीचे नहीं उतरेगी। केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से देश के कई सूबों में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। इसलिए आज महामहिम राज्यपाल महोदय को महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और निवेदन किया है देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो और जो चुनी हुई सरकारों को स्थिर ना किया जाए। हमने पत्र के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमने निवेदन किया है।